पहुंच चुके हैं दुबई में, बहुत ही गर्मी लग रही है मुझे। कितना साफ सुथरा लग रहा है सब कुछ, साफ सुथरा। ये कह रहे हैं सर अलग अलग आइटम आते हैं बिजनेस क्लास में। क्या हो गया? गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अदर एपिसोड। आज की शुरुआत हो गई है बहुत ही जल्दी, हम जा रहे हैं दुबई के लिए निकल चुके हैं। दिल्ली में हो गया बहुत गर्मी, दुबई में अच्छा मौसम हो रहा है इसलिए वहाँ जा रहे हैं बहुत ही पार्टी करने। वहाँ पे कल बुड्ढा भी आ जाएगा थोड़े टाइम के लिए, बढ़िया वहाँ पे इंजॉय करते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर धमधम धमधम होने वाला है। हमारे दो दोस्तों की शादी आ रही है 24, 25, 26, 27। हम 26, 27 को पुणे आएंगे, वहाँ पर भी टिकट बुक कराएंगे, सब बैठ कराएंगे। इशू में जा रहे हैं दुबई, आई थिंक इशू भी पहुँच ही गया, ट्रैफिक में होगा आज। लकीली ट्रैफिक भी नहीं मिला नोएडा से, सी यहीं पे आके मिलता है कदहड़ा। सो गाइस फाइनली हम इतने महीनों बाद आ चुके हैं, इशू डार्लिंग आ गई है, कैसे हो? अच्छा, तुम लोग पहली बार फ्लाइट में साथ जा रहे हैं? हम पहली बार इशू में फ्लाइट में साथ जा रहे हैं, आज तो बिजनेस बनता ही है। इतने दिनों बाद जा रहे हैं, टीका तो लगा है। ओए एमिरेट्स यहाँ शिफ्ट हो गया? हमें आज इशू टिशू भी जाएगा। सो गाइस चलो टाइम हो गया लाउंज में जाने का। सॉरी थोड़ी मेरी एनर्जी लो है, थोड़ा ब्लॉग जो ऊपर नीचे हो रहा है। अभी थोड़ी देर में फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ हम दुबई में स्पेंड करेंगे, थोड़ा दिमाग मेरा सही सेंटर में आएगा, फिर बढ़िया ब्लॉग आने वाले। तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, सरप्राइज़ आएगा तो फिर लंबे ब्लॉग्स भी आएंगे, बढ़िया मस्ती भी होगी। वेट फॉर वन वीक, आज की होगी सिक्स होगी ना, बस पाँच और दिन बढ़िया पार्टी रहेगी। ये आगे हम एन काम। सो गाइस अभी साइड में बैठे हुए थे, ये आगे कहते हैं कि अरे वीडियो में रियल लाइफ में कैसे आ गई? एग्जैक्टली द सेम, एंड आई सॉ इशू फर्स्ट और फिर मैं यहां पर आई, मैंने से बोला हम दोनों, आपने कुछ बोला यार, हम दोनों ऐसे देख रहे थे आपको, हम बोल रहे यार ये तो सेम है यार, ऐसे फोन पे ही बात कर रहे हैं। अच्छा लगा मिलके, कैसे हो, कहां जा रहे हो? दुबई आपके साथ आ रहे हैं, आ जाओ बर्थडे पे पार्टी करेंगे। मैं यही सोच रही थी कि हम ऐसे टाइम पे दुबई जा रहे हैं कि आपने वीडियोस में बोला था कि अब दुबई जा रहे हैं, तो मेरे को लगा कि मे बी क्लैश हो जाए यहीं पर ही मिल जाए। छुट्टी के लिए जा रहे हो? किस किस जा रहे हो? वेकेशन। अच्छा वेकेशन, माय फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम, वाह सही है, एंजॉय करोगे? 20 डेज लॉन्ग वेकेशन। 20 डेज इन दुबई? मैं लास्ट 20 डेज का इतना कुछ है भी नहीं। साथ में कि चलो बैठ गए चाट कॉर्नर में खुद चाट बनानी है भाई। अपेरेंटली बढ़िया चाट बना दिया मैंने, कैसी लगी? सही थी ना? वो दिखा अपना बोर्डिंग पास दिखा। आज एक मज़ेदार चीज़ बताओ, नाइस फोन क्या हुआ है आज हमें मिला है, ये पहली बार मिला है, वरना हमें कभी भी अपग्रेड करने पे मिलता नहीं है। क्या बोलते हैं लाउंज, अब हमेशा लाउंज मिलेगा। ये बी वाला ही है ना, नीचे वाला? तो ये अच्छा लाउंज का एक्सेस मिला हुआ है, नीचे जाके हम चलते हैं, आज हम करेंगे लाउंज हॉपिंग। नीचे वाला इसलिए मिल गया क्योंकि अब मैं एमिरेट्स में गोल्ड मेंबर बन चुका हूँ। सो गाइस अब हम जा रहे हैं दूसरे वाले लाउंज में, ऊपर वाईफाई स्पीड अच्छी नहीं आ रही थी, अभी ब्लॉग की फाइल्स ही नहीं अपलोड की दो दिन से, तो अभी अपलोड करते हैं, ज़्यादा है भी नहीं वैसे, 30 ही फाइल्स हैं ऊपर। गाइस सारे लाउंज चेंज हो गए भाई, ये देखो नेक्स्ट। तो गाइस ये देखो, ये तो पहली बार आ रहा हूँ इस लाउंज में, ये वाला लाउंज तो देखा ही नहीं हमने कभी। तो गाइस ये देखो, ये है यहाँ का बार, यहाँ बढ़िया किंगफिशर है, ग्रे गूस भी थी, और कौन सी है टीचर्स, समझ गया मैंने, ग्रे गूस रखी हुई है और टीचर्स। क्लास में वाओ यार, चीयर्स चीयर्स चीयर्स, बढ़िया बर्थडे गाइस, दो दिन में बर्थडे, बढ़िया धमाके करेंगे। नाइस वन, किंगफिशर पी के ना इतनी मेमोरी याद आती है ना, मतलब उल्टी का भी स्वाद याद आता है। मैंने गोवा वाली स्टोरी नहीं बताई भाई, मैं और अन्ना जब जाते थे हम इतने छोटे होते थे कि हम पी के पॉट में, भाई अन्ना लेटा हुआ है, गोवा गए थे, मैं इतना 12th में था, अन्ना 10th में था, ऐसे पता नहीं चले गए। और वहाँ पे भी एक बार हम सो रहे थे, पता नहीं कोई बंदा क्या हमारे साथ सोया हुआ है, और फिर पैसे चोरी करके चला गया था। हाँ वो याद है, बड़े कांड हुए थे यार, बड़े कांड हुए थे। चलो मैं याद दिलाऊंगा, बबू भाई पीछे दो आंटी है भाई, क्या बात कर, मजा आ गया, मजा आ गया। कौन सा डॉक्टर? हम इतने वेले हो गए दूसरों की बातें सुन रहे हैं।
गए यहाँ पे स्पांट गेट्स लगने वाले भाई, जैसे दुबई में हम टक्कर के नहीं भाग जाते, दिल्ली में भी ऐसे होगा। दो माता वी इतने गेट्स कम पड़ेंगे ना इधर, हां क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ रेसिडेंट्स वर्सेस स्टूडेंट्स ज्यादा। अच्छा हां भाई, बंदा बंदे के ऊपर चढ़ा होगा वहां पे, तो वहां पे तो 10-10 के डोर है, एक लेफ्ट में राइट में। नहीं बट आई थिंक कर दिया क्योंकि सामने भी गली में इसने खोल दिया। देखो गाइस, तुम्हारे लिए फाइल्स अपलोड करना हो ही नहीं रही साली, चार बच्चियां भी फिर से हो गया है गुंडा। वाह भाभी, ये रास्ते कौन थे वो अनुने सर? सर क्यों बुलाते हैं? सो गाइस, आज पहली बार यहां पे बाहर बोने लगाया हुआ था, फाइनल कॉल। नहीं तो जब भी जाओ फाइनल कॉल, वही आज मैं ऑन होते ही फाइनल कॉल। कितने जन्मों बाद आज ऐसे आया हूं कि हम लोग आके आराम से बैठे हैं, कोई भागा दौड़ी नहीं। बेनिस का ये कमाल है, बेनिस बहुत महंगी कर दी इन्होंने सालों ने, थोड़ी और महंगी हुई ना उस एरोप्लेन के ऊपर छत पे चढ़ के जाना पड़ेगा। अभी अभी एक वायरल गई वीडियो देखी तूने, पिजन ऐसे पंखे में लटका होता है, वैसे वो टेक ऑफ करो तो वैसे खड़ा हुआ डे 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 उड़ जाता है। नीचे लिखा था नो पिजन ड्यूरिंग द शॉर्ट फिल्म। सो गाइस, इस बार नया वाला हमें प्लेन मिला है, बढ़िया एकदम। लास्ट टाइम जब हम गए थे तो कुके से मिलता है, ये वाला अच्छा है, ये न्यू वाला है, क्योंकि न्यू वाले की पहचान होती है जब अंदर माल पड़ा होता है। दैट इज न्यू वन। नए वाले में आया तो ये वाले में नहीं ना, वो घटिया वाले में ऊपर भी नहीं होता, इसमें पूरा फ्लैट बेड बन जाएगा बढ़िया एकदम। आज हम पहली सीट पर बैठे तो हमें जल्दी मिल जाएगा, और नहीं अगर हम सर्विस हमें सुपर उठेंगे आ जाएगा। टाइम नोट करते हैं, हमें टेक ऑफ करते हुए कि 2 मिनट हुए, देखते कितनी देर में हमारी ड्रिंक्स आती है। इसने मंगाई है मोहितो, मैंने मंगाई है मोहितो, इसने मंगाई है कॉस्मोपॉलिटन। हम हंस जब रहे थे तो मैं बताया था हम कॉन्टेक्स्ट के बजाय हंस रहे थे भाई भाई साहब, एक तो इसमें आवाज़ नहीं आएगी। और एक बात तो मैं तुम्हें सरप्राइज बताया नहीं है, जब से मैं गोल्ड मेंबर बन रहा हूँ अब मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है, वाईफाई इज़ फ्री। आज तो मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियोस भी डाली, सब कुछ चल रहा है भाई, बढ़िया एकदम। जासूस कैमरा पहुंच चुके हैं दुबई में, बहुत सालों बाद देखते हैं। बहुत ही गर्मी लग रही है मुझे, ऐसा लग रहा है बहुत गर्मी लग रही है मुझे, मेरे नीचे पसीने आ गए हैं, ऊपर भी पसीने आ चुके हैं, ये उतारनी पड़ेगी अभी 2 सेकंड में। अब मैं जब बोला था कल कि आपका कमरा साफ कर, उसको बोले साफ नहीं हो साले, उसका भाई बना दूंगा मैं। कपड़े उतारने पड़ेंगे, शराबी अंकल तो दोस्त बन गए, काटना पड़ेगा पार्ट। वाह बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। अच्छा, नहीं नहीं तो बता, नहीं नहीं बोल लो, मेरे मन में तो बहुत कुछ है, बोल नहीं रहा मैं बस।
मन में इतनी चीजें मैं क्या बताऊँ तो मैं मतलब ऐसे बोलना स्टार्ट करूंगा बोलता ही रह जाऊंगा. बट फिर क्या बोलते हैं उसको, महाभारत हो जाएगी. महाभारत निकल वनवास हो जाएगा फिर एक्चुअल. गाइस दुबई आके इतना बढ़िया लग रहा है, इतना साफ सुथरा सब कुछ. चेक है चेक. और छोटी टैक्सी में चलियो, बड़ी वाली ज्यादा पैसे लगा दिए. एक्सक्यूज मी. सो गाइस दुबई में बहुत ही गर्मी है भाई. तुम्हें दुबई की लिफ्ट याद आ गई? मैं तो याद आ के मजा आ रहा है. दुबई के ब्लॉग्स मिस किए कि नहीं किए बताओ, कमेंट करके बताओ दुबई के ब्लॉग मिस किए कि नहीं. हम वैसे थोड़े टाइम के लिए, फिर मैं सोचा था कि ज़्यादा टाइम रुकूंगा, बट अभी मुझे अपना माइंड ना ऑक्यूपाइड रखना है, बस करते रहना है कुछ ना कुछ. तो हम वापस दो माता चले जाएंगे 5 दिन में. बढ़िया है. अगली ट्रिप पे फिर अगली क्या ट्रिप है? फिर थोड़ा सा गैप है, फिर शादी, फिर ट्रिप है. हाँ बैंकेट्स बिल्कुल भाई. ये शिवा सेटिंग कितनी महंगी होगी भाई? 480 दिरहम की. कोई अगर गुड़गांव से आना जाना कर रहा है तो भाई गुड़गांव से आने जाने की टिकट भी आ जाएगी और दारू भी आ जाएगी. वो जो शराबी अंकल थे उन्होंने 18 बोतलें लिए हैं. 18 वो भाई. ओ, हमें कह रहे क्या लोगे? अबे साले. तो गाइस दुबई के घर में आपका स्वागत है. और लाइट क्यों चल रही? एक्सक्यूज मी, इस वाली लाइट को क्या हो गया? पता नहीं किसको चढ़ा दी तूने इसके ऊपर. कितना साफ सुथरा लग रहा है सब कुछ. साफ सुथरा, नाइस वॉन्स. और जूते, प्यारे जूते. अरे पहने नहीं हमने इतने सारे जूते. अभी नए जूते भी नहीं पहने हमने जो आए थे. नाइस वॉन्स ये तो कभी पहने ही नहीं. ये थोड़े से पहने थे हमने, साड़ तो दिया. क्या हुआ? बाथरूम बेडरूम पूरा चकाचक साफ है. हाँ ड्राइंग रूम साफ नहीं है. उसको मार साले को, बहुत ही दोगला आदमी है. तो गाइस बढ़िया खाना खा लिया. बंदर हमारा वापस आ गया. तुम लोगों ने मिस किया था बंदर को. कैसे बंदर? सब बढ़िया. बम्बल कैसे चल रहा है? अभी जितना लोगों ने मैसेज पे करना बंद किया था ना, बंबल भैया कोई नहीं. क्या बता रहे थे? अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी. अच्छा मैंने कैमरा निकाला था स्टोरी बताने के लिए. तो हुआ क्या, मैं विंडो सीट पे बैठा हूँ, ईशु इधर बैठा है साइड में. अंकल बैठे होते हैं ईशु के साइड पे. ईशु के साइड पे आइल पे. ये कह रहे हैं अलग अलग आइटम आते हैं बिजनेस क्लास में. क्या हो गया? कह रहे अंकल फोटो दिखा रहे हैं. अंकल ने पिंटरेस्ट से किसी में फोटो दिखाई है प्रॉपर. फोटो दिखाई है कि ऐसा मेरे को आइस चाहिए, 2 गिलास ऐसी होनी चाहिए और ब्लू लेवल की बोतल ऐसी होनी चाहिए, ऐसे मेरे को सर्व करना. दो ग्लास में चाहिए. दो ग्लास में चाहिए भाई. वो अंकल का जो टेबल था वो भरा हुआ था. उसने पहले, मैंने वीडियो में बनाई है ऐसे चुपके से बनाई है भाई. उसने 2 ग्लास मंगाए, शिवार से टीम की बॉटल ऐसे रखी, फिर उसमें आइस क्यूब डाल के डली हुई थी दारू अलग से और शिवास बोतल अलग से. और फिर वो फोटो ले रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है. बीवी साइड में बैठी है, फिर उससे वेटर से फ्लर्ट कर रहा है. फिर थोड़ी देर बाद हमने देखा, फिर देखा भाई अब शिवास और शैंपेन साथ में चल रही है. एक में शैंपेन, एक में वो शिवास. एक ग्लास नहीं पीता, एक बार में दो पी रहा है. एक सिप इसका, एक सिप इसका और दो शैंपेन. हां तो जिंदा था नीचे पहुंचने तक भाई. जिंदा. अब इसका नंबर नीचे में गया. पहले 2 ये पिए, फिर वो कुछ और पिया, फिर मैं देखो थोड़ी देर बाद 2 बेलीज पड़ी है और 2 शिवास भी पड़ी है. तो एक टाइम पे 5 ग्लास थे. कभी ऐसे पी रहा, कभी ऐसे कभी बीच में गए. नहीं बीच में मस्त गया वो, मतलब हमसे बातें बूते करते हुए बढ़िया गया. बीच में इसलिए नहीं कि प्रॉब्लम थी. नहीं नहीं ऐसी. ओह शिट. हम ड्यूटी फ्री में मैंने दारू ले रहे थे. इसको कहता अरे ये क्या ले रहा है, ये क्या उठाई हुई है? बातें अलग चल रही थी भाई. मैं पीछे खड़ा होने का और क्या चल रहा है. अंकल तो फुल बॉलर निकले यार. बढ़िया थे वो. उनको कहते कि क्या मैं एरोस्टेस तो कहते कि डू यू थिंक आई लुक लाइक एन नहीं 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 एरोस्टेस आई एरोस्टेस आई इसी में बात की होती है ना. उनको देख के यू कैन नॉट से वेयर देयर फ्रॉम. उसने आके हिंदी में बात करी. तो अंकल ने बोला कि अरे वाह, आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप हिंदी में बात करोगे. द लेडी रिप्लाइड कि मैं 10 साल दुबई में रही हूं, वहां जाके ऐसे हावभाव बदल जाते कि पता नहीं चलता. अंकल बोलते मैं भी दुबई रहने जा रहा हूं, 10 साल बाद मैं भी शेखों की तरह दिखने लगूं. तो कहती आप तो अभी भी लगते हो. मतलब एयर होस्टेस भी नॉटी हो रही थी. और बीवी साइड से जाके देख रहे हैं क्या चल रहा है.
40 साल का होगा फिर 50 का तो होगा हाँ मैं क्या कर रहा हूँ ड्यूटी फ्री में तुझे पहले से फोन कर देगा कि मेरी जरा 18 बोतल तैयार रखना मैं पहुंच रहा हूँ अभी नहीं नहीं ऐसे नहीं करेंगे ब्रैकेट्स गाइस ये देखा है किसी ने ये पूरा कॉपी है एक शो था एलीट स्पेनिश वाला था सेम छापा हुआ उसका